महाराष्ट्र की चुनावी रैली में विपक्ष पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। धारा 370 के मुद्दे को लेकर विपक्ष को पीएम मोदी की बड़ी चुनौती। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासी घमासान अपने चरम पर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जहां पुराने मुद्दों के सहारे चुनावी बैतरणी पार करना चाहते हैं, तो वही सत्तारूढ़ बीजेपी राष्ट्रवाद, धारा 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दों के सहारे एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इसी कड़ी में अपनी एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष को धारा 370 को लेकर एक बड़ी चुनौती दी। जी हां, महाराष्ट्र के जलगांव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कश्मीर से धारा 370 हटाने और 3 तलाक बिल लाने जैसे बड़े मुद्दों पर विपक्ष को चुनौती देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ विरोधी इन मसलों पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो घोषणा पत्र में लिखे कि वो 370 और 3 तलाक को वापस लाएंगे। पीएम ने कहा कि धारा 370 और 3 तलाक पर सरकार के फैसले का विरोध करने वालों में अगर हिम्मत है तो वो अपना स्टैंड साफ करें। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे दलों से अपनी चुनावी घोषणा पत्रों में धारा 370 वापस लेने का ऐलान करने की मांग की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे विरोधी कान खोलकर सुन ले, अगर आप में हिम्मत है तो इस चुनाव में और आने वाले चुनावों में भी घोषणा पत्र में ऐलान करें कि धारा 370 वापस लाएंगे। विपक्ष पर बरसते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर दीजिए। क्या किसी में दम है कि 370 वापस ले आए? जो लाने की कोशिश करेगा वो बच पाएगा क्या? इन्हें भी मालूम है कि इनकी चलने वाली नहीं है, तो फिर घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं? इस दौरान पीएम ने महाराष्ट्र चुनाव में विपक्ष की भूमिका निभाने वाले कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की भी जमकर आलोचना की। पीएम ने कहा कि आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनेता राष्ट्र हित में लिए गए इस फैसले पर राजनीति करने के चुके। बीते कुछ महीनों में कांग्रेस एनसीपी के नेताओं के बयान देख लीजिए। जम्मू कश्मीर को लेकर जो पूरा देश सोचता है उससे एक कदम उल्टा इनकी सोच दिखती है। इनका तालमेल पड़ोसी देश के साथ मिलता जुलता है। अब पीएम के इन बयानों से साफ है कि बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ने के मूड में है। इंडिया न्यूज़ पर रिपोर्ट।